तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई धमाकेदार वीडियो अख्तर लावे पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस। पुलिस ने इसको पकड़ लिया और लावा साहब पर मुकदमा आया। क्या मुकदमा है मैं आपको बताता हूँ भाई साहब। अभी अभी एक लड़की की वीडियो वायरल जा रही थी जिसका नाम है आयशा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आपको पता ही है मैंने उस पर वीडियो बनाई है यार, देखो अगर आपने नहीं देखी तो। तो उस लड़की के वक्त पे इसने अपनी टांग बीच में घुसा दी, अपना लावा बीच में घुसा दिया। लड़की ने इस पे केस कर डाला, मेरा टाइम पे इसने अपना लावा बीच में घुसा दिया और पंजाब पुलिस ले गई पकड़ को। आपको पता है लड़कियों की यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा सुनी जाती है, तो पंजाब पुलिस ले गई लावे को पकड़ गई। ये सुनिए लावे को क्या बोला गया। पंजाब पुलिस इज नॉट कमिंग स्लो गाइस। पंजाब पुलिस ने लावे को बोला है कि तू बंदे का पुत्र बन, नहीं तो पूरे मोहल्ले चाहे रोज तेन लित्र पवावगा। लावा साहब बिलाई, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गाइस लावे की बढ़ती कामयाबी और बढ़ती फेम की वजह से, ये क्योंकि नून लीग का बंदा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इसकी वीडियो देखी और देखा कि ये तो हमारी पार्टी का बंदा है। ये उन्होंने भी बनाई इस पर टिकटॉक। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। आप एक शेर के पास भी बैठे हुए हैं, आपके कुछ दोस्त बैठे हैं, चार पाई पर शेर बैठा हुआ है और आप जब अपना ये डायलॉग बोलने लगते हैं तो वो शेर उड़ जाता है और आप एकदम डर जाते हैं। सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, जो तो मैं करना ना लाहौर दा पावा शेर उठ गया, सारे नस गए, मैं बैठा रहा शेर दे नाल, मेरी अखा चाक हो यार। लावे कसम से अगर तू साइड वाली चेयर पे बैठा हो तूने सबसे पहले भाग जाना था साले, तुझे उठने का मौका ही नहीं मिला हरामी। तेरी शेर नाल वैसे ही दुश्मनी है। जेड़े पीछे एक बंदा दो बंदे से सीरियस खलोते सी, वो पूरी वीडियो जो मैं नहीं देखा हंसे, पर वो इस गल ते हंस पे भाई लावा साहब बैठे हुए ते अखा तो चार हो गया शेर नाल। ये कभी आपने किसी के आंख में या मुंह पे मुक्का मार दी होगी? आज ही एक लम्मा पाया है। कैसे दिखाए? ये देखो ये कैमरे पे आप निशान भी देख सकते हैं, ये निशान है भी। हुआ क्या था? जज्बात वो एंकर को पता नहीं था, मैं क्या ना लौटता पावा एंज बजा। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से ये शो थोड़ा सा स्क्रिप्टेड था, क्योंकि मैंने भी दीवार में उम्मीद मुक्के मारे हुए, मैं गुस्से में आ गया, लेकिन मेरे कभी भी ये जो हड्डी है हाथ की उससे पीछे कभी निशान नहीं बना, हड्डी के ऊपर बनता है। तो गाइस एक और समझने वाली चीज़ है कि इसने जब बाजू पीछे की तो क्या एंकर का कद इसकी टांगों तक था जो इसके हाथ पे निशान पड़ा, और मुक्का जो ऐसे इसने किया ऐसे करके पीछे की तरफ, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बताएं, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई हो सकता है मे बी, तो आप मुझे समझाएं अगर मैं समझ नहीं सका तो। कृपया ध्यान दीजिए, लावा साहब को लावा क्यों कहा जाता है ये अब लावा साहब अपनी जुबानी बताएंगे। जी लावा साहब बताइए आज आप बता दीजिए लावा आपको क्यों कहते हैं लोग? कि ये पावा साहब बच्चों को 10-10 रुपए देके कहते हैं मुझे गोगी बाट को, इसमें कितनी वजह? गोगी बाट नहीं कहता, कहता हूं कि अख्तर लावा कहो। दौर फिड़े मुँह चल गाइस। शुरू में मैंने थोड़ा सा चील आउट किया था आपके साथ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लावा साहब को किया गया है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट में लावा साहब को बोला गया है कि मैं तेनु मल्ले चे रोज लीतर पाऊंगा, चल मेरा पुत बोल हूँ जरा। मैं मोहम्मद अख्तर लावा मेरा नाम है, ते जड़े अगे तरीके लगा एक इन्हें तो पाबंदी लानी चाहिए, क्यों इंतशार फैल गया मुल्क च, असी मुल्क का अमन मान चाहते हैं। तो मैं यूसी 90 का कौंसलर हाँ, तो मैं नून लीग वालों जितया सा। पुलिस तो कोई भी तशद ना करे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। मैं पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लावा साहब के 14 के 14 टांगों वाले कीड़े बाहर निकाल के फेंक दिए हैं, अब लावा साहब ऐसी हरकतें करने से बाज रहेंगे। थैंक यू पंजाब पुलिस। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठाठा बाय बाय।